प्रकारची डिज़ाइन शिकणार आहोत। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की डिज़ाइन आज हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये जो स्केल है, इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1-1 इंच के, हाफ हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। इस तरीके से हमें कपड़ा लेना है 75x24 इंच का। इस तरीके से हमने 24x75 इंच का ये कपड़ा ले लिया है। तो चलिए सब कुछ ये पैटर्न हम कपड़े पे उतार लेते हैं। से नाप लगा के ले लेते हैं। जैसे हमारा ये पैटर्न है, इस तरीके से अब हमें इसके ऊपर निशान लगाने हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले 8.5 इंच इस तरह से लगाना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8.5। तो इस तरह से हमें 8.5 इंच इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाना है। उसके बाद 1-1 इंच के 2 पॉइंट लगाने हैं। तो इसको मैं एडजस्ट करके ले लेती हूँ। देखिए, इस तरह से हमने इस लाइन पे इसको ले लिया निशान को। तो देखिए, उसके बाद हमने 1 इंच के ऊपर इस तरह से टिक मार्क लगा दिया। उसके बाद फिर से 1 इंच के ऊपर निशान लगाना है। उसके आगे 1, 2, 3 इसके ऊपर हमें निशान लगाना है। तो फिर से हमें 1 इंच के ऊपर, फिर से 1 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। और आखिर में हमारे ऑलरेडी 8.5 इंच इधर ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 2 पॉइंट है, हमने आमने सामने जोड़ देना है इसको। तो चलिए इसको अटैच कर देते हैं। इस तरीके से ही हमें आखिर तक इसको अटैच करते हुए जाना है। हमने सभी लाइन खींच के ले लिए हैं। तो इस तरीके से हमारा हर एक कॉलम 1 इंच का तैयार हो चुका है। तो चलिए, इसके ऊपर अभी हमें पैटर्न लगा के ले लेना है। ये जो है, इसको इस तरीके से निशान लगाना है। इस तरीके से 2 के बीच में 1 कॉलम छोड़ दिया है। इस साइड में भी 2 के बीच में हमें 1 कॉलम छोड़ना है। तो इसी तरीके से देखिए, 1 लाइन खींचने के बाद हमें 1 कॉलम छोड़ देना है। उसके बाद 1 कॉलम छोड़ देना है। उसके बाद और इस साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से 1 कॉलम छोड़ना है। उसके बाद इधर भी 1 कॉलम छोड़ के उसके बाद, तो ऐसे ही करते हुए हमें आखिर तक जाना है। तो चलिए, ये मैं इतने तक कुछ बना के ले लेती हूँ। इसी तरीके से हमें कंप्लीट करके ले लेना है। तो अब हमने इस लाइन को लगा दिया और अब हम इस लाइन को लगाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो है, इस लाइन को हमें देखना है। यहाँ पे हमने लाइन खींची है, तो इसी कॉलम में इधर उसी तरीके से लाइन आ जाएगी। तो उसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीका है। इस साइड को भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से पूरे करते हुए जाना है। और देखिए, 2 जो लाइन है हमारे, उसके बीच में हमें 1 कॉलम छोड़ते हुए जाना है। इस साइड से भी और इधर की जो साइड है, इस साइड में भी बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए, इस तरीके से हमने सब कुछ पूरा पैटर्न कपड़े के ऊपर लगा के ले लिया है।
कपड़े को पलटी कर देना है। तो या कपड़ाला आपल्याला असं पलटी करून घ्यायचा आहे आणि याचं एक बाजू आणि याची एक बाजू। तो इस तरीके से हमें इन दोनों को अटैच करते हुए जाना है। ये देखिए इस तरीके से, ये जो हाफ इंच इधर का और इस साइड का हमें हाफ इंच, इन दोनों को लेना है और इस तरीके से हमें इसको अटैच करके ले लेना है। देखिए इस तरीके से ये हमें दोनों को इस तरफ कर देना है और पैटर्न के साइड से हमें इधर से हाफ इंच के ऊपर लाइन सिलाई मशीन से सिलाई लगा के ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने मशीन से सिलाई लगा के ले लिया है। तो चलिए अब हम डिजाइन बनाने के लिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से दो कपड़ों के बीच में हमें इस तरीके से हाथ रख देना है और इस तरीके से हमें पकड़ रखना है ताकि जो हमारा नीचे वाला जो पिछला वाला कपड़ा है वो सिलाई के अंदर ना आए, इसलिए हमें इस तरह से हाथ रख के ले लेना है। तर पहा हा जो चौकोनाचा पहिला पॉइंट है आपला, तर हा अशा पद्धतीने आपल्याला शिवून घ्यायचा आहे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा पहला पॉइंट। तो उसके बाद हमें ये दूसरा वाला पॉइंट सिलाई कर देना है। तो त्याच्यानंतर हा आपला दूसरा पॉइंट आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे शिवून घ्यायची डिझाईन। तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा हमारा। तर अशा पद्धतीने आल्यानंतर आपल्याला हा दोरा उडून घ्यायचा आहे। तो अब हमें इस धागे को खींचना है और इस तरीके से इन दो पॉइंट को मिल जाएंगे तो इनको हमें टाइट पैक कर देना है। तर अशा पद्धतीने या दोन्ही पॉइंटला आपल्याला पैक करून घ्यायचा आहे। तो इस तरीके से हमने ये पहला वाला पॉइंट सिलाई कर दिया। अब हमें इस साइड का ये दूसरा वाला लेना है। तो ये जो स्क्वायर के अंदर है इसको ले लेते हैं। तो ये दूसरी लाइन का है। तो देखिए इस तरह से ये इस साइड का ये पहला वाला पॉइंट आ जाएगा। तो हा पहला पॉइंट असेल, त्यानंतर आपला पुढचा दूसरा पॉइंट। तो उसके बाद हमें ये दूसरा वाला पॉइंट है इसको सिलाई करके ले लेना है। तो इस तरह से हो जाएगा सिलाई। तो उसके बाद हमें बीच में इस तरह से अंगूठे से दबाना है और इस तरह से धागे को खींचना है और ये दोनों पॉइंट हमारे मिल जाएंगे तो हमें इधर इनको पैक करके ले लेना है। तो चलिए इसको मैं अच्छे तरीके से पैक कर देती हूँ। तो अब हमें इस धागे को कट कर देना है। तो इसी तरीके से हमें आगे की सभी डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए ले लेना है। इसी तरीके से ही हमें ये जो दो लाइन को पूरा करते हुए जाना है। तो देखिए इस डायरेक्शन में हमारी ये जो लाइन है इसलिए हमने इस डायरेक्शन के इस तरह से स्क्वायर का एक कोना सिलाई कर दिया और अब हमें उसी स्क्वायर के अंदर का जो लाइन है उसी के आगे का दूसरा वाला कोना इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है और इसको हमें दोनों पॉइंट को मिला के इस तरह से अटैच करके ले लेना है और इसको टाइट पैक करना है। और इसी तरीके से हमें ये जो पहली वाली लाइन है इसको कंटिन्यू करते हुए जाना है। तो फिलहाल के लिए मैं ये आपको इतना ही दिखा देती हूँ। तो आगे का जो डिजाइन है वो देख लेते हैं। तो इस बाजू में भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें सिलाई कर देनी है। ये पहला वाला पॉइंट, उसके बाद हमें ये जो है दूसरा वाला पॉइंट इस तरीके से सिलाई कर देना है और अब हमें इसको खींचना है। बीच का कपड़ा हमें दबा के रखना है ताकि वो पीछे चला जाए। तो इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को हमें अच्छे से मिला के पैक कर देना है टाइट। तो ये हमने एक साइड का इस तरीके से देखिए ये सिलाई करके ले लिया है। तो अब हमें इसी तरीके से आगे का भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई करते हुए जाना है। दो कोनों को स्क्वायर के हमें इस तरह से पॉइंट उनके सिलाई कर देने हैं, स्क्वायर के कोने, और उनको हमें अटैच करके पैक करते हुए जाना है। और इसी तरीके से हमें बिल्कुल सभी डिजाइन को बना के ले लेना है। तो
देखिए इस तरीके से मैंने ये दोनों बाजुओं का इतना कंप्लीट करके ले लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से सब कुछ पूरा करके ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सब कुछ डिजाइन पूरी करके ले ली है और इस तरीके से ये हमारी पीछे वाली साइड बनके तैयार हो जाती है। आप इसके अंदर मैचिंग कलर का धागा यूज करिए। तो ये जो डिजाइन है अब हम इसके अंदर जब कॉटन डालते हैं तब ये बहुत सुंदर सी डिजाइन हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए अब हमें इसके लेयर्स बनाने हैं। तो देखिए ये जो लेयर्स है इनको अभी हमें बनाना है और इस साइड को भी पकड़ लेना है। तो देखिए इस तरीके से पकड़ना है हमें इस लेयर को और इधर से हमें सिलाई लगा देनी है। और इसको इस तरह से खींचना है धागे को और ये इधर हमारी इस तरह से नॉट आ जाएगी। और इसी तरीके से हमें एक एक लेयर को पकड़ते हुए आखिर तक बनाते हुए जाना है लेयर्स को। तो उसके आगे वाली ये देखिए ये जो है उसके आगे वाली पकड़ना है इस तरीके से और खींचते हुए जाना है। तो देखिए इधर हमें दो नॉट लगाने हैं सिंपल वाले। इसका राउंड शेप में तकिया भी इसके अंदर लगा के ले सकते हैं। तर तुम्ही पाहिजे तर याच्यामध्ये कापूस सुद्धा भरू शकता किंवा उशी देखील टाकू शकता। तर मी याच्यामध्ये आता उशीच टाकणार आहे। तो अब हम इसके अंदर ये तकिया ही लगाने वाली हूं मैं। तो अब हमने इसको इसके अंदर लगा दिया है। तो अब हम इधर के जो दो नॉक है देखिए इस साइड के जो दो नॉक है इनको पकड़ना है। तो अब हम इसके अंदर दूसरी सिंपल वाली नॉट लगा देते हैं। धागा है इसके अंदर लगा दिया ताकि जब हमें इसको खोलना चाहते हैं हम तभी खोल सकते हैं, इसलिए इस तरह से सिलाई करके ले लेंगे। और अब हमें इस निडल को निकाल लेना है। निडल को निकाल के रख देंगे तो अब हमें ये जो बटन का ये जो धागे का एक पार्ट है और ये एक दूसरी बाजू जो है इन दोनों को हमें मिलाना है। और जो हमारी बड़ी वाली सुई है जो बड़ी वाली निडल है उसके अंदर से इस तरह से लगा के ले लेना है। और इस बटन को हमें इस तरह से बीच में लेके आना है। और अब हमें इधर से बिल्कुल बीच में से इस बड़ी वाली निडल को डालना है और बिल्कुल पीछे वाली जो बीच की साइड है उसी के अंदर से हमें उसे निकाल के ले लेना है। तो चलिए इसको हम बराबर बीच में से डाल के ले लेते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास वाला बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जब भी मैं इस तरीके के बहुत सुंदर से वीडियो लेके आती रहती हूँ तब तब आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी और आपको मालूम पड़ेगा कि वीडियो आ चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बहुत सारा लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये पिलो बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी हमारी ये खूबसूरत सी पिलो। चलिए मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में इसी तरीके की एक बहुत ही सुंदर सी डिजाइन लेके। तो तब तक के लिए नमस्कार।